जय माता दी, 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 वैष्णो देवी की जय, वैष्णो देवी की जय, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। अनिरुद्ध बंसल, मैं त्रावड़ी शहर करनाल से हूँ। हम माँ वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने आए हैं और यहाँ पे तैनात पुलिस पुलिस जो सुरक्षा हमारे लिए खड़ी है उनके होते हुए हमें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। आतंकी हमले यहाँ पर होते रहते हैं और ये आम सी बात है माँ वैष्णो देवी के दरबार में, क्योंकि हमारे जो धर्म के अगेंस्ट जो लोग हैं वो लोग ये आतंकी हमले हमारे ऊपर करवाते रहते हैं ताकि हम अपने धर्म से आस्था खो दें, अपने धर्म पे आना बंद कर दें। लेकिन हम अपने धर्म पे आएंगे और अगर हमारे साथ हमारी पुलिस सेना, हमारी सुरक्षा टीम खड़ी रहेगी तो हमें माता के आशीर्वाद के साथ कोई, मतलब माता का आशीर्वाद लेने से कोई नहीं रोक सकता। जी, मेरा नाम मंथन है, मैं त्रावड़ी शहर का रहने वाला, करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी, ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आतंकी छोटे हमले होते रहते हैं मंदिरों पे, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में होते रहते हैं। बट ये हमारा हौसला बुलंद है माता के मंदिर में जाने के लिए, हमें कोई रोक नहीं सकता। जय माता की। क्या कहेंगे जो मतलब डर रहे हैं, घर में बैठे हुए माँ वैष्णो देवी नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जी, कोई खतरा नहीं है, पुलिस तैनात है, सिक्योरिटी तैनात है, माता पे आस्था रखो, आओ एंजॉय करो। जय माता। आप कहाँ से हैं और माँ वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस माहौल के बीच? जी, मेरा नाम वरुण खमेले है, मैं नागपुर से आता हूँ। माता का बुलावा आया था, हम सही सही सलामत यहाँ पहुंचे है, यहाँ है, यहाँ का माहौल पूरा नॉर्मल है। हाँ, कुछ इंसिडेंट हुए थे पिछले हफ्ते, लेकिन पुलिस और आर्मी वाले सब अच्छे तैनात है, सब चाक चौबंद है, बहुत अच्छा है, दर्शन अच्छे हुए है, इस माता रानी का आशीर्वाद है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं पर उनके मन में डर है, माँ के चरणों से आपने क्या संदेश दिया? डर की कोई बात नहीं है, अपनी आर्मी और पुलिस वाले सब अच्छे से यहाँ पे है, लोग बहुत भीड़ आई हुई है, जैसे वैसे जैसे बाकी भीड़ आई है, आप लोग भी सब आइए, माता रानी का दरबार है, आइए सब जरूर। जय माता दी। मैं समीक्षा वरुण खमेले नागपुर से हूँ। माता रानी की आस्था थी, बुलावा आया था, हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे बंदोबस्त बहुत अच्छा है। लास्ट वीक जो भी इंसिडेंट्स हुए थे ऐसा कोई घबराने की बात है नहीं, यहाँ पे आप सेफली आ सकते हैं, आर्मी बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पे अभी हजारों लाखों की संख्या में दर्शन आए हुए हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी अच्छे से आ सकते हैं। जय माता दी। सर, जो दो आतंकी हुए हैं उसको देखते हुए सुरक्षा को जो है श्राइन में किस तरह से प्रबंध है और श्रद्धालुओं के लिए क्या सुझाव श्राइन की तरफ से रहेगा? देखिए, सुरक्षा की जहां तक मैं बात करूं तो एक 3-tier सिक्योरिटी ग्रिड इन प्लेस है जिसको रूटीन बेसिस पर रिव्यू किया जाता है, जिसके अंदर पुलिस, सीआरपीएफ और श्राइन की खुद की सुरक्षा नफरी जो है वो लगातार तैनात है और कंटिन्यूसली इस सिस्टम को रिव्यू भी किया जाता है, खास करके इस महीने में जहाँ पे जो है पीक यात्री फुटफॉल हम देखते हैं। अगर हम इस साल की भी बात करें तो तकरीबन 45 लाख यात्री श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ चुके हैं और पिछले 3 दिनों में भी 1.25 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए पधारे हैं और इसलिए सुरक्षा के जो इंतजाम आते हैं वो कड़े से कड़े करने के लिए लगातार हमारी रूटीन मीटिंग्स भी रहती हैं और रूटीन रिव्यूज भी किए जा रहे हैं और कटरा से लेकर के भवन तक जो है एक पुख्ता सिक्योरिटी ग्रिड को तैनात किया गया है। सीसीटीवी सर्विलेंस के लिए भी हमारे जो जॉइंट कमांड एंड कंट्रोल रूम्स हैं वो एक्टिवेटेड हैं, 24/7 अवेलेबल हैं और यात्रियों से हमारी यही अपील रहती है कि जितने भी हमारे सहायक या सुरक्षाकर्मी ट्रैक पर तैनात हैं उनके साथ कोऑपरेट करें, बिकॉज सिक्योरिटी के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट भी हमारे लिए एक बहुत प्रायोरिटी एरिया है, उसके ऊपर बोर्ड लगातार काम कर रहा है और जिसको लगातार रिव्यू भी किया जा रहा है।